हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले ट्राईफास क्रीम्स के बारे में। ट्राईफास क्रीम्स का क्या यूज है, कब इसका यूज़ किया जाता है, कितने दिनों का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन अलग है और किस प्रकार काम करता है, ये क्रीम्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये क्रीम्स को इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो ट्राईफास क्रीम्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बन रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट की या आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो शेयर करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं ट्राईफास क्रीम, जो कि हमारे पास 30 ग्राम का क्रीम से, जिसकी एमआरपी की बात करें उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास क्रीम से उसकी एमआरपी 199। ट्राईफास क्रीम्स को मिनारिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ट्राईफास क्रीम्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें उसके अंदर कंपोजिशन से हैं साइक्लोपिरॉक्स ओलामेंट्स यूएसपी 1% वेट बाय वेट इसके अंदर डाले गए हैं। ट्राईफास क्रीम्स का यूज़ के बारे में बात करें, उसका इस्तेमाल ये ट्रीटमेंट करता है फंगल स्किन इन्फेक्शंस और फंगल नेल इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्राईफास क्रीम्स एक एंटी फंगल क्रीम से, इसका इस्तेमाल तासा में फंगल और नाखून में इन्फेक्शंस के इलाज में किया जाता है। ये फंगल के विकास को रोककर काम करता है, इस प्रकार इन्फेक्शंस का इलाज करता है। ट्राईफास क्रीम्स ये इन्फेक्शंस के कारण होने वाले कई लक्षणों जैसे दर्द और खुजली से राहत प्रदान करता है। ट्राईफास क्रीम्स का इस्तेमाल तासा में फंगल इन्फेक्शंस और नाखून में फंगल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए ये क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राईफास क्रीम्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो ट्राईफास क्रीम्स को केवल अपने अफेक्टेड एरिया पे, यानी कि आपके जहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस हुआ है या फिर आपके नाखून में फंगल इन्फेक्शंस हुआ है तो उसी एरिया पे लगाएं, सब जगह इसको न लगाएं। और ये क्रीम्स को लगाने से पहले अपने अफेक्टेड एरिया को साफ करें, बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्रीम्स का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। ट्राईफास क्रीम्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है इस्तेमाल वाली जगह पर रिएक्शन होना, यानी कि जलन होना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देने को मिल सकते हैं। तो ट्राईफास क्रीम्स का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। ट्राईफास क्रीम्स किस प्रकार काम करता है, ट्राईफास क्रीम्स एक एंटी फंगल क्रीम से, यह फंगस की कोशिकाओं में प्रोटीन का उत्पादन रोकता है और इस प्रकार उनकी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में बाधा डालता है। इस प्रकार से ये फंगस के आगे की वृद्धि को रोकता है और त्वचा और नाखून के इन्फेक्शंस के इलाज में मदद करता है। ट्राईफास क्रीम्स को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल करें। अपनी मन से ट्राईफास क्रीम्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो ट्राईफास क्रीम्स के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताएं। ट्राईफास क्रीम्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी क्रीम्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।